खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद जई के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से जनरल वर्कर इजलास और इस्तकबाल बासिलसिला 12 रबी अव्वल की तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब एक मुकामी हाल में मुनक्कद की गई, जिसमें पाकिस्तान भर से आने वाले सुन्नी तहरीक के कारकुनान और अहदेदारान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं लतीफाबाद से राशिद जई। अरे अभी तक तुम 10 लड़के जमाने का सुनते हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। यहाँ जितने भी बैठे हैं, इन सब की एक सोच है, सर्वत एजाज कादरी या मौत। क्योंकि हम लोगों ने मिशन जो चलाया है सलीम कादरी का, मिशन चलाया है सलीम कादरी का, उसको मिशन जो चला रहा है सर्वत एजाज कादरी चला रहा है। कोई ये फसादी कोला नहीं चला रहा है, ये तो बोलो सारे कमेटी बोलता ही नहीं। ये फसादी कमेटी है, ये साजिशी कमेटी है, हम इसको नहीं मानते। आप सारे सरबत-ए-कादरी पे यकीन रखते हैं? कोई हाथ उठ रहा है, कोई नहीं उठ रहा है। यार क्या अपने सरबराह से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत करते हो खड़ा होकर नारे लगाओ, सरबत-ए-जाज बंद, सरबत-ए-जाज बंद, सभी खुली किताब, सभी खुली किताब, और हम सारे आज ये आज कागज से ऐड करते हैं इंशाअल्लाह सरबत भाई की रहनुमाई में हम कहीं कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और ये हैदराबाद सरबत एजाज कादरी का एक का भी हाथ नीचे नहीं होगा। सरकार की महफिल ही है, इतना तो आप इसी बात का, जिसका हाथ नीचे मैं देख लूंगा। बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे दो आवाज को तेज करो। और जो आगे पीछे पीछे खड़ा है ना, दोनों हाथ मेरे आगे बताए, एक का भी हाथ नीचे लाओ। महमूद साहब आवान बेहतरीन अंदाज में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। हजरत जी वकार तवज्जो करेंगे, ज़ाहिर है हम जो इस महफिल में प्रोग्राम में आए हैं इस्तकबाल रबीउल अव्वल शरीफ है। अली असगर साहब कह रहे थे कि यार घर पे झंडा लगाना है, घर पे तो वो भी लगा लेता है जिसकी घर पे भी नहीं चलती है जी, घर पे तो वो भी लगा लेता है जिसकी घर पे भी नहीं चलती। तो घरों पे झंडे तो वो भी लगा लेंगे कि जो अभी तक पैंपर लाने में पूरे हैं। सुन्नी तहरीक है, आप सुन्नी की है, रब्बे काबा की कसम वो सुन्नी नहीं जो इस जर्सी की सरिया करे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।